नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं भारत लाइव। कोरोना जैसे संकट से निपटने के लिए इस वक्त पूरा देश एकजुट दिख रहा है। बिहार में भी जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, अब जिम्मेदारियां भी काफ़ी बढ़ गई है। इस बीच सभी पॉलिटिकल लीडर्स अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और जितना बन सके सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस आपदा की घड़ी से निपटा कैसे जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सोशल डिस्टेंसिंग कितना फॉलो किया जा रहा है। एक तस्वीर सामने आ रही है, दरअसल RJD के विधायक हैं राहुल तिवारी जी, जो अपने क्षेत्र में लोगों के बीच जाते हैं और देखिए इस तस्वीर में किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रखकर वो लोगों के साथ बातें करते नजर आते हैं, लोगों के तक सामग्री पहुंचाते नजर आते हैं। लेकिन इस वक्त एक चीज़ छूट जाती है, वो है सोशल डिस्टेंस। कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया जा रहा है। जिम्मेदारियों के साथ साथ ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि सोशल डिस्टेंस को भी मेंटेन किया जाए ताकि हम कोरोना जैसी आपदा से निपट पाएँ, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं बिहार में, इसे रोक पाना काफ़ी मुश्किल है। ये वीडियो तब वायरल हुआ जब ग्रामीणों को इस बात का अंदाज़ा हुआ, उन्हें उनके अंदर जागरूकता फैली और उन्हें पता चला कि वाकई सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना कितना ज़रूरी है। और अब ग्रामीण काफ़ी भयभीत हैं, लेकिन हम आपसे अपील करते रहेंगे कि आप ऐसा काम मत कीजिए, अपनी जिम्मेदारी निभाइए, लेकिन इसके साथ साथ उन तमाम चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए चलिए जो कोरोना से लड़ने में लाभकारी साबित होगा। खासकर बात करें लॉकडाउन के समय घर में रहना, और दूसरा सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर आप बाहर निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंस को मेंटेन जरूर कीजिए, क्योंकि ये बेहद जरूरी है। बहरहाल आप वीडियो में देखिए किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रखकर RJD विधायक राहुल तिवारी लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। तो आपने देखा इस वीडियो में किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रखकर प्रतिनिधि अपने क्षेत्र की जनता के बीच गए हैं। हालांकि ये वीडियो हमें ग्रामीण लोगों ने भेजा है, ये वीडियो हमारे खुद की नहीं है। और दूसरी बात आपको बता दें कि जब इस मुद्दे पर हमने राहुल तिवारी जी से बात की तो उनका साफ तौर पे कहना है कि ये प्रशासनिक मुद्दा है, प्रशासन की तरफ से देखभाल करनी चाहिए। हम क्योंकि एक जनप्रतिनिधि है तो हम क्षेत्र की जनता के बीच गए थे, तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है। बहरहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है हमें ज़रूर बताइए, और देश और दुनिया के तमाम बड़े अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए भारत लाइव। नमस्कार।